कभी तो इतना सुस्त होता है इससे हिला नहीं जाता कभी इतना तेज कि हमें पीछे छोड़ देता है अरे पीर साहब तय्यब के जरिए से दवा की पुड़िया भिजवाता है सर ये पुड़िया खाता है ना तो घोड़े की तरह दौड़ता है कैसी पुड़िया सर पुड़िया के बारे में उसी से पूछ ले ये लीजिए पानी इतना वक्त लगता है पानी लाने में वो ठंडा गरम मिक्स करने में ज़्यादा वक्त लग गया क्या हुआ कोई परेशानी है क्या क्यों तुम क्या कर लोगी पानी तो ढंग से पिला नहीं सकती। शायद कोई मशवरा दे पाऊं मशवरा और तुम बेवकूफ़ हो लेकिन मजाक अच्छा कर लेती हो। चलिए मानिएगा मत मगर कम से कम अपनी परेशानी तो शेयर कर सकते हैं ना? कम से कम इतना हक हाँ तो बनता है मेरा। एक तो ये तुम्हारी अंग्रेजी मगरबी खराफा जान को आ गई ऊपर से अस्पताल जब से खुला इसने जीना हराम किया और फिर वो कभड़िया एम पी जिसको मैंने कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया और वो कम मेरी ही जड़े काट रहा है और समझता है कि मुझे पता नहीं चलेगा किस तरह मेरे इलाके की मासूम लड़कियों को बहला-फुसलाकर अस्पताल में नौकरियां दे रहा है बुरा मत मानिएगा पीर साहब मगर ये तो अच्छी बात है ना देखिए वक्त बदल रहा है अब लड़कियों को आगे आना चाहिए काम करना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए ताकि हम जैसे लोगों की रोटी रोजी पे वो लात मारें तुम जानती हो ना कि इलाका मैंने अपनी पीरी मुरीदी के लिए क्यों चुना था एक तो यहां تعلیم की कमी और उस पर जालत है ऐसी जगहों पे हम जैसे लोगों का काम खूब चलता है और ये तुम थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गई हो हर वक्त मुझे समझाने पे लगी रहती हो